अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फार्मेसी। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सैयदा फार्मेसी के तमाम यूट्यूब मेंबर्स खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक ठाक होंगे, और अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपको ओरनो टेबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूँगी, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रिक एंटीबायोटिक है, जो हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, पट्टों के दर्द के लिए बहुत ही मफीद टेबलेट है। वीडियो में बताया जाएगा कि ओरनो टेबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसकी तरीके इस्तेमाल क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है, और वो कौन से लोग हैं जो ओरनो टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरनो टेबलेट की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 10 टेबलेट्स होती हैं और इसकी कीमत 300 रुपये है। ये सामी फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं ओरनो टेबलेट की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में लर्नोक्सिकेम 8 mg पाया जाता है, जो हर किस्म के दर्द के लिए बहुत ही मफीद टैबलेट है। व्यूअर्स आइए बात करते हैं ओरनो टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो ओरनो टैबलेट को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक टैबलेट सुबह, दूसरी शाम। टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। व्यूअर्स आइए अब जानते हैं ओरनो टैबलेट को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओरनो टैबलेट में लोरनोक्सिकेम 8 mg होता है, जो हर किस्म की दर्द और बुखार के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो इस कंडीशन में ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपकी पसलियों में दर्द है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दर्द होती हैं, तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी जोड़ों की बीमारी है, इसमें जोड़ों के अंदर बहुत दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन में ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके गुर्दों में दर्द है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। फीमेल्स में महावारी के दौरान होने वाले दर्द और ब्लीडिंग के लिए भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके सर में दर्द है तो इस कंडीशन में भी आपको ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके दर्द शकीका है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्सा में स्वेलिंग है या सूजन है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके कमर में दर्द है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है तो इस कंडीशन में भी ओरनो टैबलेट बहुत मुफीद है। इन शॉर्ट ओरनो टैबलेट हर किस्म के दर्द, बुखार, सर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स फ़वाद तो हमने जान लिए हैं, आइए अब बात करते हैं ओरनो टैबलेट के नुकसान की। तो इसके इस्तेमाल से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है, आपको वोमिटिंग आ सकती है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो ओरनो टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको ओरनो टैबलेट के किसी भी अज़ा से एलर्जी है, वो ओरनो टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। व्यूअर्स ये था ओरनो टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।